एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इट्स मी हिना मोहित, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद मेरे व्लॉग को आप लोगों ने देखना है, तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज आप तक आराम से पहुँच सकें। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो सब व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर साथ में नाश्ता करती हूँ। तो मैंने उस टेबल पर जो है ना नाश्ता रखा था, आलू का पराठा साथ में दही, तो जो है ना कैटो ने दही खा लिया, अब दोबारा दूसरी लानी पड़ेगी। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग होगी, अभी 10 का टाइम है और जो है ना 6:30 बजे मॉर्निंग हो गई थी मेरी, तो मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि 6:15 अजान होती है और मोहित ने जो है ना मुझे कह के हीना उठ जाओ, हीना उठ जाओ, हीना उठ जाओ। बड़ी मुश्किल से मैं उठी हूँ क्योंकि रात में मैं नहीं सोई, मुझे हमने इतना तंग किया, उस बच्चे की वजह से नींद पूरी नहीं होती और ना ही सही तरह सोया जाता है। तो मैं जो है ना सबको नाश्ता करवा के नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ, और वैसे जागने की कोशिश भी करूँ तो अरहम जो है ना तंग करने लग जाता है। तो नाश्ता मैंने बना लिया है, अब जल्दी से करते हैं नाश्ता और आपको दिखाते हैं मैंने नाश्ता क्या बनाया है। जिस वक्त की मैं लगी हूँ ना काम करने और जब से ये लड़का उठा हुआ है, इसने कैटी की जान नहीं छोड़ी। ये देखें बेचारी की हालत चेक करें, हालात चेक करें, ये क्या तरीका है हम सुने। और अपने अपने ये दिखाओ जरा, शर्ट दिखाओ आगे से, दिखा बाल ही बाल लगे हुए कैटी के, गंदी बच्ची। कैटो चलो यहाँ से भाग जाओ, इसको हम बाहर निकालो। मैंने सोचा था आज इधर बैठ के नाश्ता करते हैं, लेकिन ये जो बिल्लियां ना इन्होंने हमें सुकून से खाने नहीं देना। इसको बाहर निकाल, अरहम बाहर निकालो इसको, जल्दी से उठा के बाहर लेके चल, मैं दरवाजा बंद करूँ। आज हमारा नाश्ता है आलू का पराठा और साथ में दही। वैसे मैं एक बनाती होती पराठा जिसमें से थोड़ा सा मैं खा लेती होती, लेकिन आज मेरा हैवी खाने का मूड है तो मैंने जो है ना दो पराठे बना लिए हैं, और साथ में अरहम भी नाश्ता करेगा। और कुछ साफ सफाई मैंने कर ली है और कुछ रह गई है, और जो रह गई थी वो ही देखें अरहम ने कितना गंद मचाया है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, पूरा 1 घंटा लगता है मुझे नाश्ता करने में क्योंकि मैंने अरहम को खिलाना होता है, अरहम जो है ड्रामे करता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बिट्टू क्या कर रहा है। किचन समेटा है और इसमें फिर गंद डाल दिया, ये सारे गिराए हुए हैं और हमने, और ये सारे टॉयज गिराए हुए हैं, मामा ने किचन समेटा भी है सारा और हमने फिर गंद डाल दिया। अच्छा आज हमने बनाना है, क्या बनाना है आज हमने बनाना है मिक्स सब्जी। उसके लिए मैंने आलू काट के रख लिए हैं क्योंकि मैंने सोचा कचरा एक बार इकट्ठा फेंक के आऊँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल निकाल लिया, ये तवे का थोड़ा सा तेल था मैंने निकाला, तो ये थोड़ा सा इसका ब्लैक आ गया। अच्छा तो ये मटर भी निकाल लिया मैंने, गाजरें भी निकाल लिया। सब्जी बनाते हैं और साथ साथ जो है ना सफाई करते हैं, और इसमें अरहम के टॉयज डाले, अरहम बेटा इसके अंदर टॉयज डालो अपने, और मशीन लगाई हुई थी मैंने तो कपड़े भी निकाल लूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे मैंने धोया है अरहम का ब्लैंकेट, ये धोया है और बेडशीट धोई है। तो मौसम इतना प्यारा हुआ है, इतनी खूबसूरत हवा चल रही है और मौसम इतना अच्छा है, इतनी ठंड भी नहीं आज महसूस हो रही, और हवा जो है ना इतनी ठंडी भी हवा लग रही, बड़ी मज़े की हवा चल रही है और बड़ा अच्छा मौसम है। और कल ये मैंने धोए थे कपड़े और ये ब्लैंकेट भी धोया था, तो पहले ये उतारते हैं फिर ये डालेंगे, ठीक है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि जो है ना अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, मतलब कपड़े नहीं संभाले जा रहे, दुपट्टा नहीं संभाला जा रहा। तो कल जो है ना यहाँ पे अंकल आए थे नीचे, सारे यहाँ से साफ सफाई करके गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से सारी सफाई करके गए हैं, ये जगह खाली करके गए हैं, यहाँ से जगह खाली की है, ये वाली जो है ना डस्टबिन ये पड़ी हुई थी यहाँ पर, यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ पे रखी और ये जगह खाली करके यहाँ पे जगह बनाई है। इसके अलावा कल अंकल यहाँ पे कुछ कर रहे थे, ये स्टोर है ना पीछे हमारे, वॉशरूम की बैक साइड लगती है स्टोर को, तो जो है ना ये चीज़ नहीं थी बनी हुई, सिर्फ ये दो सीढ़ियाँ थी और ये ऊपर था,
तो अब अंकल ने बनाया है ये और ये दो बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई हैं। हमारे घर के नलके भी खराब थे तो मैंने अंकल को कहा है कि अंकल जी ये लीक कर रहे हैं, तो फिर अंकल ने वो भी ठीक किए, किचन का, वॉशरूम का, शावर का भी ठीक किया था, लेकिन वो फिर से खराब हो गया क्योंकि वो न्यू ला के लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अरे वो अपनी शर्ट उठाओ बेटा, शर्ट मेरे बेटे की गिरी हुई है वहां पे। अंकल ने कहा था कि अगर ये ठीक तो अगर फिर से लीक होगा तो ये न्यू लाना पड़ेगा। उन्होंने फिलहाल गुजारे के लिए ठीक कर दिया था। मैं ना सफाइयाँ कर रही हूँ तो ये लड़का मुझे सफाइयाँ नहीं करने दे रहा। किचन में आई हूँ, ब्रश लगाया है तो कहता मैंने ब्रश लगाना, मैंने छोड़ के चली गई हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ब्रश लगाओ। मैं छोड़ के चली गई कमरे में, वहाँ जाके बेडशीट बिछाने लगी, वहाँ आ गया तो बेडशीट बिछाने लगी, वहाँ बेड के ऊपर चढ़ के ना जंपिंग करने लग गया, जिधर जिधर जाती हूँ वहाँ वहाँ आता है। देखो अब मैं किचन में ही ना ब्रश वगैरह लगा रही हूँ तो इसने फिर ब्रश पकड़ लिया। अब मैं जाने लगी हूँ ना कमरे में, ये डस्टबिन इसको फुल करके फिर बाहर फेंकना है। अब मैं जाने लगी दोबारा कमरे में तो मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ ना, तो फिर आ जाएगा। बेडशीट बिछा रही हूँ तो यहाँ पे आ गया मुझे तंग करने के लिए लड़का। आपने मुझे काम करने देना है कि नहीं करने देना बताओ मुझे। अब मैं ये छोड़ के ना दोबारा किचन में जाने लगी हूँ, फिर ही देखना वहाँ पर आ जाएगा। जिधर जिधर मैं जाती हूँ ना मुझे ये लड़का काम नहीं करने दे रहा। फिर बेडशीट बिछाने आई हूँ तो फिर आ गया यहाँ पे, ये अब सारी ख़राब करेगा तो इसलिए हम यहाँ बिछाते ही नहीं है। मैं अब जा रही हूँ बाहर जंपिंग, ये सारी ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे मैं सुकून से सफाई कर सकती हूँ। टॉयज का हाल देखो, ये सारे यहाँ पे पड़े होते हैं और ये एक सेकंड लगाता है इसको बिखेरने में। इतनी मुश्किल से मैंने खप खप के सफाइयाँ की हैं ना, पर मेरा बेटा जो है ना चाहता ही नहीं है घर साफ रहे, इसके काम चेक करें। ये आप कर क्या रहे हो और हम मैं जाने लगी हूँ बाहर, बाहर के जो पत्ते बिखरे हुए हैं उनको समेटते हैं और फिर कचरा सारा फेंकते हैं। ये सारे पत्ते बिखरे हुए हैं और हवा इतनी तेज़ है, देखे टावल हिल रहा है ना, देखे इतनी तेज़ हवा है ना कि बंदा जो है ना सुकून से जो है ना यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। जब अरहम मुझे इतना ज्यादा तंग करता है ना कि मामा का दिल करता है मामा रोए इतना इसने मुझे तंग किया हुआ है। काम मैंने घर के इतनी मुश्किल से किए हैं, सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं और बहुत मुश्किल से की हैं और मेरा रोज का यही हाल होता है। हाँ जी क्या हुआ है? अब कह रहा है कैटो को पकड़ाओ, कैटो मेरे पास नहीं आ रही। अच्छा मैंने आप लोगों को एक और चीज़ नहीं बताई, ये जो हमारे ऊपर लगी हुई है कीवी, ये आंटी ने काफ़ी सारी उतार के दी थी तो उसके अंदर उस शॉपर को हमने किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे उसको हवा ना लगे, गर्म जगह पे रखा है। बीच में दो एप्पल डाले मैंने तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कीवी तीन चार दिन में पक जाती है, नरम हो जाती है और बड़े मज़े की बनती है। तो मैं आज दिखाऊंगी आप लोगों को कीवी, जब खाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी पसंद है मुझे, बहुत मज़े की लगती है। अपनी वो गाड़ी पकड़ना, अपनी वो गाड़ी पकड़ो, ऊपर से फेंकते नीचे। और हमने जो ये ढलान बनी हुई ना गाड़ी छोड़ता है तो ये ऐसे भाग के आती है गाड़ी नीचे को। चलाओ आपकी दूसरी गाड़ी लेके आए, दूसरी गाड़ी लेके आएंगे तो वो चलेगी ना सोने। हाँ आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ। ये ब्लू गाड़ी, हाँ इसको क्यों फेंका इधर, शरारती चूचे। मुझे अंदर नहीं था आने दे रहा इसलिए मैं कह रही थी थोड़ी देर में खाऊंगी कीवी, लेकिन मैं अभी काट के दिखाती हूँ आप लोगों को कीवी। ये देखे कीवी फ्रिज में रखी हुई थी और ये जो है ना इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी कीवी मैंने काट लिया खाने के लिए, ऊपर मैंने लगाया है काला नमक। अरे बेटा ये आपने ये क्या किया है बेटा, या फिर अंदर ले आए उसको। चलो चले, अरे हमने किधर खेलना है भला, दरवाजा खोलो। अब हमने खेलना है यहाँ पर। तो इतनी हवा चल रही है कि आंखों में मिट्टी चली गई है और यहाँ पे बैठा ही नहीं जा रहा, और यहाँ पे खेलना क्या है हमने। चलो आप दूसरी साइड पे चलते हैं, इधर नहीं ना सोने के देख पत्ते हैं ना, इधर मुझे खींच रहे हो आप, यहाँ पे पत्ते हैं सारे।
चल इधर बैठते हैं, ये वाली जगह पे बैठते हैं, चलो चलो यहाँ पे बैठ के खाते हैं साथ में और साथ में खेलते हैं। और हम भी बैठने लगा, ये लो जी मेरा बित्तू भी बैठ गया और खेलने लगा। मेरा बेटा कह रहा है मैंने अपनी मामा को खिलाना है इसको ऐसे करके ना, ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मामा को खिला रहा है, थैंक यू। मेरे मुंह में डाल के कहेगा थैंक यू। तो नहीं पहले तो खाने दो, इतने प्यार से इतने मजे से खिला रहा है। रहा नम नम नम, आई लाइक इट, वाओ थैंक यू। बस अच्छा जो चीज खत्म हो जाएगी ना उसको ये नहीं कहेगा कि खत्म हो गई है, फिनिश कहेगा, बस बस का मतलब खत्म हो गई है। यहाँ पे हम किचन में खड़े हुए हैं और एक साइड अरहम के पॉपकॉर्न बन रहे हैं और एक साइड पे खाना बन रहा है। हम आपको दिखाते हैं, ये अरहम के पॉपकॉर्न तकरीबन तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ, उसको पहले उस मिक्स सब्जी में मैं जो है ना पहले आलू को और गाजरों को फ्राई कर लेती होती हूँ, जिससे जो है ना बड़े मज़े के बनते हैं, फिर लास्ट में जो है ना बड़े मज़े के देते हैं। यहाँ पर ये भी गिरने लगे, चलो आपको डाल के दूँ, किस में प्लेट में डाल के दूँ। किचन में मैंने जो है ना हंडी का मसाला रखा हुआ है, तो उसकी आंच स्लो कर रही हूँ क्योंकि अरहम मुझे बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे खड़े होने दे रहा, कह रहा मेरे साथ बाहर चलो। तो अब मैं इसको लेके आई बाहर, अब इसकी प्राम निकाल लिया और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, कह रहा दरवाज़ा खोलो और हमें जाना है बाहर, इसको बाहर एक चक्कर लगवा के लाऊँ, तब तक हमारा हंडी का मसाला भी तैयार हो जाएगा, चलते हैं बाहर। हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतनी इतनी, ये देखें हवा को पता था कि मैंने बोलना है तो मैं बोलूँगी तो फिर तेज़ चल रहा है, तो देखा कितनी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे अरहम को घुमा रही थी तो पेटेटे से जो है ना मतलब डाक खाने से हमें जो है ना ये चार किमलिक रिसीव हो गई है, ये वाली फाइनली हमारे कार्ड बन के आ गए और हमें रिसीव भी हो गए, शुक्र अल्लाह का, इन्हीं का इंतज़ार था। मेरा बेटा इतना खुश हो रहा है, कह रहा है ये अरहम का भी कार्ड आ गया, वाओ वाओ मेरे बेटे का कार्ड आ गया, बड़ा मजा आया। सारे कार्ड अरहम ने पकड़े हुए हैं, ये देखें जी कितनी खुशी हो रही है, सारे कार्ड मिल गए हैं। ये हम चार लोगों के आए हैं कार्ड, मामा का, मोहित का, मेरा और अरहम का। चलो बस बस बाय बाय, अरहम सबको बोल रहा था, अरहम उनको बोल रहा था बाय बाय, मुझे इतनी तड़किश नहीं आती तो वो गिलियन बोल रहे थे कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा एक मिनट वेट करें मैं तर्जमा करके देखती हूँ क्या है इसका मतलब, कहते नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मज़ीद कुछ ऐड किया तो काम शाम सारे हो गए मेरे और शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि हमारा जो है ना पेटे डे से हमारा जो है ना कैमली कार्ड भी रिसीव हो गया आज। तो वीडियो को एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अगर आप शेयर कर सकें तो शेयर करें और मुझे कमेंट में बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है या किस तरह के आप लोग चाह रहे हैं, किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताया करें, इस तरह जो है ना कॉन्टेंट मिल जाता है मुझे तो उस हिसाब से बंदा वीडियो बना लेता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मिलते हैं आपसे और ज़्यादा अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में रखें याद, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।